Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you animals home in EVS. बच्चों, बिना घर का कोई नहीं रहता है. हम सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं. वैसे ही एनिमल्स भी अपने अपने घरों में रहते हैं. तो बच्चों, आज मैं कुछ एनिमल्स के घरों के नाम बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पिक्चर, लायन. लायन को हिंदी में हम शेर कहते हैं. और बच्चों, लायन इज द किंग ऑफ जंगल. लायन लैंड पर रहते हैं. लायन जिस घर में रहते हैं उसका नाम डेन होता है. तो बच्चों, लायन डेन में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट सेकंड पिक्चर, रैट. रैट को हिंदी में हम चूहा बोलते हैं. ये भी लैंड एनिमल है. रैट बहुत छोटे छोटे होते हैं. आप सभी बच्चे रैट जरूर देखे होंगे. वे बहुत तेज दौड़ते हैं और वे छोटे छोटे छेद में रहते हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं. इसलिए रैट के घर का नाम होल होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड पिक्चर, बर्ड. बर्ड को हिंदी में हम चिड़िया कहते हैं. और बर्ड लैंड पर नहीं ट्री पर रहती हैं. और वो छोटे छोटे वुड के टुकड़ों और ग्रास से अपना घर पेड़ के ऊपर बनाते हैं जिन्हें हम नेस्ट कहते हैं. इसलिए बर्ड के घर का नाम नेस्ट होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर फोर्थ पिक्चर, बी. बी को हिंदी में हम मधुमक्खी कहते हैं. बी हम लोगों को शहद देती हैं. बी एक इंसेक्ट है जिसके पंख होते हैं. बहुत सारे बीज एक ही घर में एक साथ रहते हैं जिन्हें हम हाइव कहते हैं. तो बी के घर का नाम हाइव होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर फिफ्थ पिक्चर, काओ. काओ को हिंदी में हम गाय कहते हैं. काओ एक डोमेस्टिक एनिमल है. इसे घर में पाला जाता है. गाय हमें दूध देती है. गाय को जहाँ रखा जाता है उस घर के नाम हम शेड बोलते हैं. तो काऊ के घर का नाम शेड होता है और काऊ शेड में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर सिक्स पिक्चर, हैन. हैन को हिंदी में हम मुर्गी कहते हैं. हैन हमें अंडा देती है. ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. और हैन जिस घर में रहती हैं उसे हम कुप कहते हैं. तो हैन के घर का नाम कुप होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर सेवन पिक्चर, स्पाइडर. स्पाइडर को हिंदी में हम मकड़ी कहते हैं. इसके 8 लेग्स होते हैं. ये खुद से जाल बुनकर अपना घर बनाते हैं. उन्हें हम वेब कहते हैं. तो स्पाइडर के घर का नाम वेब होता है. नेक्स्ट नंबर 8 पिक्चर, रैबिट. रैबिट को हिंदी में हम खरगोश कहते हैं. ये छोटे एनिमल्स होते हैं और ये बहुत तेज दौड़ते हैं. वे ज़मीन के अंदर टनल्स में रहते हैं जिन्हें हम बरो कहते हैं. तो रैबिट के घर का नाम बरो है. नाउ नेक्स्ट नंबर 9 पिक्चर, हॉर्स. हॉर्स को हिंदी में हम घोड़ा कहते हैं. हॉर्स इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल. हॉर्स बहुत तेज दौड़ने वाला एनिमल है. हॉर्स जिस घर में रहते हैं उनको हम स्टेबल कहते हैं. तो हॉर्स के घर का नाम स्टेबल है. नाउ नेक्स्ट नंबर 10 पिक्चर, फिश. फिश को हिंदी में हम मछली कहते हैं. ये वाटर एनिमल है. ये पानी के अंदर ही रहते हैं. ये लैंड पे नहीं रह सकती हैं. इसलिए इनका घर वाटर ही होता है और इन्हें हम वाटर एनिमल्स कहते हैं. तो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से एनिमल्स होम्स के नाम पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए. लायन डेन, रैट होल, बर्ड नेस्ट, बी हाइव, काउ शेड, हेन कूप, स्पाइडर वेब, रैबिट बरो, हॉर्स स्टेबल, फिश वाटर. नाउ इन होमवर्क यू हैव टू लर्न एंड राइट एनिमल्स होम इन EVS कॉपी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.